Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with the Topper. तो अभी हम बात करने जा रहे हैं about fair cloth 3D model. ठीक है, ये 3D model जो है वो जो है ना critical discourse analysis के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी. तो critical discourse analysis के अंदर का एक model है, ठीक है, जो कि fair cloth ने दिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है फेयर क्लो 3D मॉडल. तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द फेयर क्लो 3D मॉडल. ठीक हो गया. नॉर्मन फेयर क्लो वॉज ब्रिटिश लैंग्विस्ट एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट. नॉर्मन फेयर क्लो जो थे वो एक ब्रिटिश लैंग्विस्ट थे और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट थे. उन्होंने ये वाला मॉडल दिया था जो कि 1941 में पैदावे थे इंग्लैंड में. ये CDA के एक फाउंडर हैं क्योंकि उन्होंने ये फ्रेमवर्क दे दिया है. CDA का 3D मॉडल दे दिया है. ये प्रपोज 3D मॉडल इन लेट 1980s एंड अर्ली 1990s. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक लैंग्वेज एंड पावर. इनकी एक बुक थी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत मशहूर, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जिस बुक का नाम था लैंग्वेज एंड पावर. तो इस लैंग्वेज एंड पावर वाली बुक के अंदर इन्होंने ये मॉडल दे दिया था. इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज इन CDA टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, पावर एंड आइडियोलॉजी. इसका जो मॉडल है वो हमें क्या करता है, लैंग्वेज, पावर और आइडियोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप एनालाइज करने में हेल्प करता है. कैसा फ्रेमवर्क है. द मॉडल प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एग्जामिन हाउ लैंग्वेज इज यूज टू शेप सोशल प्रैक्टिस एंड मेंटेन पावर बैलेंसेज इन बैलेंसेज विद इन सोसाइटी. किसी भी सोसाइटी के अंदर जो सोशल प्रैक्टिस होते हैं उनके जरिए लैंग्वेज और पावर का क्या रिलेशन होता है, लोग अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हुए पावर को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये बात डिस्कस होती है इनके 3D मॉडल में. ठीक हो गया. फेयर क्लो प्रपोजेज दैट द क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट शुड पास थ्रू द 3 स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेक्शन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था उसके अंदर जो है 3 डायमेंशंस थे, वो 3 डायमेंशंस आगे सही तरह से एक्सप्लेन होंगे. ठीक हो गया. यहाँ पे भी यही बताया गया कि प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. लैंग्वेज, सोसाइटी, पावर और आइडियोलॉजी के दरमियान इनके इस फ्रेमवर्क ने हमें रिलेशन बता दिया था. इनके जो 3 डायमेंशंस हैं उनमें सबसे पहले आता है द टेक्सचुअल डायमेंशन, दूसरा आता है द डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशन और तीसरा आता है द सोशियो कल्चरल डायमेंशन. लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं कि पहले डिस्क्रिप्शन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, लेकिन दोनों का नाम डिफरेंट है, चीज़ सेम है. ठीक है. डिस्क्रिप्शन के अंदर हम टेक्सचुअल डायमेंशन ही देखते हैं, इंटरप्रिटेशन के अंदर हम डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशन ही देखते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर हम सोशियो कल्चर डायमेंशन ही देखते हैं. विच मीन्स दैट द थिंग इज सेम लेकिन नाम डिफरेंट है. तो आप दोनों नामों से इसको याद कर सकते हैं. सबसे पहला द टेक्सचुअल डायमेंशन. ठीक हो गया, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं. तो टेक्सचुअल डायमेंशन में क्या होता है, दिस डायमेंशन फोकसेज ऑन द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट और डिस्कोर्सेज. ठीक है, स्पेसिफिक टेक्स्ट है या डिस्कोर्स है, कोई भी स्पोकन लैंग्वेज है या रिटन लैंग्वेज है, कोई पैराग्राफ है, कोई पैसेज है, कोई स्पीच है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो कुछ भी है उसकी ना हम सबसे पहले टेक्स्ट की एनालिसिस करते हैं. ठीक है, टेक्स्चुअल डायमेंशन को देखते हैं, टेक्स्ट की हम एनालिसिस करते हैं. इट एग्जामिन द लिंग्विस्टिक फीचर्स. ठीक है, उस स्पीच की लिंग्विस्टिक फीचर्स को देखा जाता है, जिनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, रिटोरिकल स्टेजेस जो कि उस टेक्स्ट के अंदर यूज़ हुए हुए हैं, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं वाइल डूइंग द टेक्स्चुअल एनालिसिस. इट इंक्लूड्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज, आइडियोलॉजीज एंड सोशल रिलेशंस. इसके अंदर हम ये भी देखते हैं ना कि उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्या आइडेंटिटीज़ आगे पेश की गई हैं, क्या आइडियोलॉजीज बताई हैं और किन सोशल रिलेशंस के बारे में बात हुई है. सेकंड डायमेंशन आता है द डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशन. इसके अंदर ना डिस्कर्सिव प्रैक्टिस हमें पता लगता है कि इसके अंदर हम डिस्कोर्स की प्रैक्टिस को देखते हैं. ठीक है, दिस डायमेंशन एक्सप्लोर्स द वेज इन विच डिस्कोर्स इज प्रोड्यूस्ड. इन वेज को एक्सप्लोर करता है जिनके अंदर डिस्कोर्स प्रोड्यूस हुआ है, विच मीन्स दैट लैंग्वेज और पावर के दरमियान रिलेशन प्रोड्यूस हुई है. डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. ये हमें ये बताती है ना कि लैंग्वेज और पावर के दरमियान जो रिलेशन है वो किस तरह से डेवलप हुई है, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुई है और लोगों ने उनको, लोगों पे उसका इफेक्ट क्या हुआ है. ठीक है, जैसे सपोज कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर की कोई न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ की सबसे पहले हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, टेंस कौन सा है,
इस तरह सबसे पहले हम उसके ग्रामर पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके डिस्कर्सिव प्रैक्टिस पे आएंगे कि वो बनाया किस तरह गया, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया गया, कंज्यूम किस तरह किया गया। इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो सोशल प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करता है एंड प्रोसेसेस थ्रू विच डिस्कोर्स इज यूज्ड टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स और एक्सरसाइज पावर। तो अखबार के अंदर जो न्यूज़ आएगी ना, उसका कोई स्पेसिफिक गोल होगा या किसी ने उसको पावर प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया होगा, यानी कि अपने पावर को शो करने के लिए यूज़ किया होगा। तो इन चीज़ों को भी हम एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं इस डायमेंशन में, सेकंड डायमेंशन में, जो कि है द डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशन। और तीसरी डायमेंशन आती है हमारे पास द सोशियो कल्चरल डायमेंशन। सोशियो कल्चरल से हमें पता लगता है कि इसमें सोसाइटी और कल्चर की बात होती है, ठीक है। दिस डायमेंशन लुक्स बियॉन्ड इंडिविजुअल्स टेक्स्ट एंड डिस्कर्सिव प्रैक्टिस टू कंसीडर द ब्रॉडर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर सिचुएटेड। ये इसमें जो है सिर्फ बंदे के पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल पर्पस तक ही महदूद नहीं रखते इसमें, बल्कि इस डायमेंशन में हम क्या करते हैं, ब्रॉडर लेवल पर चले जाते हैं, यानी कि उस सोसाइटी में, उस कल्चर में सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट था, कल्चर का क्या इम्पैक्ट था, जिस टाइम में ये न्यूज़ लिखी गई उस टाइम का, उस टाइम सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था, उस टाइम कल्चर के अंदर क्या हो रहा था, ये सारी बातें हम इसके अंदर एग्जामिन करते हैं। इट एग्जामिन्स हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियोलॉजीज शेप एंड आर शेप्ड बाय डिस्कोर्स। इसमें देखते हैं कि डिस्कोर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजीज किस तरह से आई हैं, या फिर डिस्कोर्स के जरिए ये चीज़ें किस तरह से सोसाइटी के अंदर आती हैं। दिस डायमेंशन हाईलाइट्स द कनेक्शंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ब्रॉडर सोशल इनइक्वालिटीज। इसमें जो है ना, लैंग्वेज को ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेट किया जाता है कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं उनका लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी के अंदर पावर प्रैक्टिस हो रही है उनको लैंग्वेज कैसे डिपिक्ट करिए। तो एक लैंग्वेज को हम ब्रॉडर लेवल पे ले जाके पूरी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो वो तीसरी डायमेंशन हो जाती है। द 3D मॉडल एम्फेसाइजेज द इंटरप्ले बिटवीन लैंग्वेज पावर एंड आइडियोलॉजी म्यूचुअली रीइंफोर्स ईच अदर। ये 3D मॉडल हमें ये बताती है ना कि लैंग्वेज पावर आइडियोलॉजी तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, मतलब ये कि एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। जहाँ लैंग्वेज यूज़ होगा ना वहाँ पावर या आइडियोलॉजी आएगी, जहाँ आइडियोलॉजी आएगी वहाँ पावर और लैंग्वेज यूज़ होगा, जहाँ पावर आएगी वहाँ पर लैंग्वेज और आइडियोलॉजी का भी रोल होगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। दिस मॉडल हैज़ बीन अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स। ये मॉडल बहुत सारे फील्ड्स में अप्लाई किया गया है, ठीक है, मीडिया स्टडीज़ में, पॉलिटिकल स्टडीज़ में, सोशियोलॉजी में, कम्युनिकेशन स्टडीज़ में और लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, हर तरह की फील्ड में इस मॉडल को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी चीज़ की डिस्कोर्स एनालिसिस कर सके बाय अप्लाइंग द 3D मॉडल ऑफ फेयरक्लॉफ। ठीक हो गया। 3D मॉडल के अंदर ना, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होती है, फिर इंटरप्रिटेशन होती है, फिर एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस मॉडल या फिर इस ग्राफ, इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि सबसे अंदर टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर बाहर ब्रॉडर लेवल पर जाके सोसाइटी के अंदर हम उसको देखते हैं। तो इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, इसका बिजनेस या फिर एडवर्टीजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोई बंदा एडवर्टीजमेंट बनाता है ना, तो उसके पीछे उनका एक मकसद होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ा सके। उनके पीछे मकसद होता है कि लोग उस एड पे यकीन करें। उनका एक ये मकसद होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इन चीज़ों को, अपने इन पर्पजेज़ को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने एड्स के अंदर कि लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं। तो इस तरह एड्स के जरिए भी लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पावर प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना इफ़ेक्ट लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान अपना इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब लोगों पर अपना इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें बिना किसी, अगर आपने एड की एनालिसिस करनी है ना, तो सबसे पहले उसके टेक्स्ट को देखो, ठीक है, फिर जाके उसके सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं ये देखो, फिर उसको सोशल कल्चर चीज़ों से रिलेट करो। तो इस तरह से हम लोग एक एड को भी अच्छी तरह से, उसके अंदर की अंडरलाइंग मीनिंग को भी समझ सकते हैं। एग्जांपल है 3D मॉडल की, ठीक है, ये मैंने समझा तो दी है, तो इस एग्जांपल को भी देखना तो देख लें, वैसे तो समझ आ गई होगी, आई होप एंड आई एम श्योर। फिर जो है डिस्कोर्स एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो माइक्रो नाम से हमें पता लगता है कि मैक्रो वो चीज़ें जो ब्रॉडर लेवल पे होती है, माइक्रो वो चीज़ें जो कि छोटी होती हैं। तो मैक्रो लेवल डिस्कोर्स एनालिसिस लुक्स एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, मैक्रो लेवल में हम लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर सेंटेंसेस किस तरह से बनाए गए हैं, पैराग्राफ्स किस तरह से हैं, मेन थीम क्या है। और जो मैक्रो लेवल है ना, इट फोकसेस ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उस लैंग्वेज के जरिए क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है,
इस बात को डिस्कस करते हैं हम इन मैक्रो लेवल डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि लैंग्वेज के मैक्रो लेवल पे लैंग्वेज को हम देखते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं. फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, फ्रेजेस की क्या मीनिंग है, लेक्सीम्स कौन से यूज हुए हैं, लेक्सिकल स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या है, रिटोरिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं. और इसी तरह से माइक्रो लेवल ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस सिंपली यूज करता है एट व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड इन द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर क्या बोला जा रहा है, वर्ड्स क्या यूज़ हुए हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ हुआ है, टेंस क्या यूज़ हुआ है. तो इससे की छोटी छोटी चीज़ें जब हम चीज़ों की एनालिसिस करते हैं तो हम उसको कहते हैं माइक्रो लेवल एनालिसिस. लेकिन जब हम पूरे लैंग्वेज के अंदर के थीम्स को देखते हैं, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसके पीछे एम को देखते हैं, तो हम उसको कहेंगे मैक्रो लेवल एनालिसिस. तो यह था फेयरक्लो का 3D मॉडल, जिसके अंदर फेयरक्लो ने हमें 3 डायमेंशंस दिए हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट की एनालिसिस कर सकते हैं. तो अगर आपने भी अपने रिसर्च में एनालिसिस करनी है तो फेयरक्लो 3D मॉडल को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है एंड इट इज़ एक माना जाने वाला मॉडल. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.